हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड के ऐसे बेजोड़ एक्टर के दर्दनाक अंत की जानकारी देने वाले हैं जो फिल्मी पुलिस वाले के रूप में मशहूर हुआ करता था। इस एक्टर की मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। दोस्तों, पुराने दौर की हिंदी फिल्मों में आपने अक्सर एक एक्टर को पुलिस अफसर के रोल में देखा होगा। वो कोई और नहीं, बॉलीवुड के महान एक्टर इफ्तिखार अहमद थे। उनकी अदाकारी में ऐसा जादू था कि लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। 50, 60 और 70 का दशक अभिनेता इफ्तिखार का हुआ करता था। जंजीर का पुलिस कमिश्नर सिंह हो या डॉन का डीएसपी डिसिल्वा का रोल, इफ्तिखार ने इन किरदारों को ऐसे निभाया कि उनकी टक्कर का फिल्मी पुलिस वाला आज तक बॉलीवुड में दूसरा नहीं हुआ। वैसे क्या आपको पता है कि इतना बेजोड़ एक्टर तो कभी अभिनेता बनना ही नहीं चाहता था। इफ्तिखार तो सिंगर बनने का सपना देखा करते थे। 1920 को जालंधर में पैदा हुए इफ्तिखार अमीर खानदान से थे। उनका पूरा नाम सैयदाना इफ्तिखार अहमद शरीफ था, लेकिन बॉलीवुड में वो सुपर कॉप इफ्तिखार के नाम से ही फेमस हुए। पिता कानपुर में नौकरी करते थे, ऐसे में एक्टर का बचपन इसी शहर में बीता। उनको गाने का शौक था और केएल सहगल के वो दीवाने थे। उन्हीं की तरह गायक बनने के लिए इफ्तिखार ने 20 साल में ही घर छोड़ दिया और कोलकाता आ गए। कोलकाता में जब वो उस जमाने की मशहूर कंपनी एचएमवी में इंटरव्यू देने गए तो वहां गायक कमलदास गुप्ता भी उनकी आवाज सुनकर हैरान हो गए थे। कंपनी ने उनको अपने साथ जोड़ लिया और बतौर गायक उनकी प्राइवेट एल्बम भी रिलीज हुई थी। हालांकि कमलदास गुप्ता इफ्तिखार की पर्सनैलिटी से खासे प्रभावित थे, इसी वजह से उन्होंने इफ्तिखार को गायक के रूप में नहीं बल्कि अभिनेता के रूप में काम दे दिया। बस यहीं से फिल्मी सुपर कॉप का करियर शुरू हो गया। तकरार फिल्म से उन्होंने करियर शुरू किया था जो साल 1944 में रिलीज हुई थी। इफ्तिखार जब मुंबई आए तो कुछ फिल्मों में साइड रोल करने के बाद उनके हाथ 1969 में फिल्म इत्तेफाक लग गई। इसी फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। पहली बार वो इस फिल्म में पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए थे। डायरेक्टरों को वर्दी में वो इतने जमे कि इसके बाद तो बॉलीवुड के सुपर कॉप बन गए। इतने बेमिसाल अभिनेता की मौत बड़ी दर्दनाक हुई। जब इफ्तिखार कोलकाता में थे उस समय उनकी बिल्डिंग में रहने वाली यहूदी लड़की हना जोसेफ से उनको प्यार हो गया था। दोनों ने शादी भी कर ली थी। बाद में हना ने अपना नाम बदलकर रेहाना अहमद रख लिया था। रेहाना ने दो बेटियों को जन्म दिया जिनका नाम सलमा और सईदा है। साल 1990 की बात है जब अभिनेता का करियर बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक बेटी सईदा की तबीयत खराब हुई। अस्पताल में चेकअप करवाया तो सभी चौंक गए। सईदा को कैंसर हो गया था जो तेजी से फैलता जा रहा था। इफ्तिखार सईदा से बहुत मोहब्बत करते थे और उसके इलाज में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद भी बेटी की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। अभिनेता इफ्तिखार हर रोज बेटी को मौत के मुंह में जाता हुआ देखते रहते थे। 5 साल तक वो ऐसे ही बेटी को दर्द से तड़पता हुआ देखते रहे। बेटी के दर्द को देख कर वो तकिया में मुंह छिपा कर रोया करते थे। 5 साल तक हर रोज बेटी की हालत देखते देखते तनाव और चिंता ने उनको भी अंदर से गंभीर बीमार कर दिया। साल 1995 में कैंसर से तड़प तड़प कर उनकी बेटी की मौत हुई तो इफ्तिखार सदमे में चले गए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि बेटी की मौत के 6 दिन बाद उनको भी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। वहां कोई इलाज असर नहीं किया और 23 फरवरी को उनके शरीर को पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। बेटी के गम में डूबे इफ्तिखार फिर कभी उबर नहीं सके और बेटी की मौत के 1 महीने बाद 4 मार्च 1995 को उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, आपको इस बेजोड़ एक्टर का कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद था हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।